मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप अप योर लाइफ। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपनी सैटरडे की रूटीन। सैटरडे और वेडनेसडे वीक में दो ऐसे दिन होते हैं जिस दिन मैं योग नहीं करती हूँ बल्कि गार्डन में वॉक के लिए जाती हूँ। तो सुबह की शुरुआत मेरा वही लेमन वाटर, और लेमन वाटर पीने के बाद आराम से फिर मैं जाऊँगी अपनी वॉक करने। फोर्टी मिनट्स की ब्रिस्क वॉक के बाद मैं थोड़ी देर हमेशा यहाँ पे बैठ के रिलैक्स करती हूँ और उसके बाद घर वापस जाती हूँ। और ये है हमारे घर का छोटा सा किचन गार्डन जहाँ हमने नींबू, अमरूद, आंवला, मौसम्मी और छोटे छोटे प्लांट जैसे कि पुदीना, धनिया, पालक वगैरह लगा रखे हैं। ये सब प्लांट बहुत थोड़ी सी देखभाल मांगते हैं और बदले में आपको बहुत अच्छा फल देते हैं। घर की कुछ इंपॉर्टेंट क्लीनिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं आज एग ब्रेड टोस्ट। उदय का भी आज स्कूल से ऑफ है तो उसी की डिमांड पर ये ब्रेकफास्ट बनाया जा रहा है। तो मैंने एग्स के साथ अनियन ऐड किए हैं, सॉल्ट ऐड किया है, ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर, और साथ ही में थोड़ा सा दूध डाल के इनको मैं शैलो फ्राई करूँगी। ऐसा बहुत रेयर होता है कि बच्चे घर पे हों और आपकी पकड़ में भी आ जाएं। तो कई बार मैं उनको पकड़ के उनकी हेल्प लेती हूँ। स्टडी टेबल बहुत गंदा हो रखा था तो इसलिए मैंने कहा कि आज आप मेरी हेल्प करोगे, आपके टेबल्स जो हैं वो क्लीन करने हैं। और दोनों की हेल्प लेके मैंने स्टडी टेबल्स को क्लीन किया, और क्योंकि सामान उनका होता है तो उनको ज़्यादा पता होता है कि कौन सी चीज़ हमें चाहिए कौन सी नहीं। तो डे क्लटरिंग करने से पहले बच्चों की हेल्प ले लेती हूँ मैं। टेबल्स वगैरह क्लीन करने के बाद मेरे पास लंच बनाने के लिए टाइम बहुत कम था, तो मैंने फटाफट बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के वेजिटेबल पुलाव बनाया। और क्योंकि जैस्मिन का कोचिंग जाने का टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया था तो उसके लिए मुझे टिफ़िन भी पैक करना था, क्योंकि कोचिंग के बाद उसे भूख लगती है तो बेटर है कि वो बाहर से अनहेल्दी या अनहाइजीनिक फूड खाए। तो मैं हमेशा एक टिफ़िन पैक करके उसको देती हूँ। तो आज के टिफ़िन में मैं उसके लिए चना मेरे पास बॉयल किया होता है तो उसमें कैप्सिकम डाल के ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के उसको थोड़ा सा सॉटे कर लिया है। और साथ ही मैंने एक रोटी ली है, उसके ऊपर बॉयल एग को क्रश कर लिया है। बॉयल एग को क्रश करके उसके ऊपर लगा दूंगी और साथ ही वो फिलिंग कर दूंगी और बस हो गया। लड़की मेरी वीडियो एडिट कर रही है, और ये मिस्टर कुलदीप सिंह क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, ये बना रहे हैं आज मेरे लिए नमकीन चाट। देखिए ये इनकी स्पेशल रेसिपी है, और जब भी ये बनाना होता है, ये मूंग दाल है, मूंग दाल के अंदर डालेंगे ये प्याज और टमाटर, और देखिए इन्होंने हरी मिर्च देखो कितनी काट के रखी है, बाय गॉड ये ज़्यादा तेज़ नहीं हो जाएगी, हाँ
नहीं होगी तो ये मेरे को कभी बनाने नहीं देते, तो कहते कि जब भी बनाऊंगा ये मैं खुद ही बनाऊंगा और तुझे खिलाऊंगा। अभी हो गया ये मिक्स, बस नींबू डालना तो डालो उसमें, तुम लेमन डालो फिर मैं देती हूँ। तो ये देखिए पूरा जोर लगा के नींबू ने छोड़ा जा रहा है। ये खट्टा मीठा इतना टेस्टी होता है, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है यार। चाट मसाला डालोगे? ये इधर ये देखो चाट मसाला, चंकी चाट मसाला, ये लो। ज़्यादा हो जाएगा यार, मत डालो इतना नींबू, खट्टे में तो मज़ा है। खट्टे में मज़ा है, तुमने क्या, तुम बोलते थे डायलॉग कौन सा था तुम्हारा, इधर देख के बोलो। खट्टे में तो जिंदगी है, खट्टे में ही जिंदगी है, ये डायलॉग किसी फिल्म में कौन बोलता था, हैं कोई विलन? हाँ शक्ति कपूर, शक्ति कपूर अपनी किसी मूवी में ये डायलॉग बोला करता था, खट्टे में ही जिंदगी है, तो वो बोला तुम्हारा हिसाब। और सैटरडे यानी कि वीकेंड, तो वीकेंड के ऊपर हमेशा हमारा जो डिनर होता है वो स्पेशल होता है सबके लिए। तो अभी इनके आने से पहले मैंने चिकन बना के रखा है, आज मैंने बनाया है कश्मीरी चिकन, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फटाफट। तो खड़े मसाले डालने के बाद मैंने ग्राइंड किया हुआ उसमें अनियन डाला है और साथ ही कश्मीरी चिली जो सूखी मिर्च होती है उसके साथ मैंने लहसुन को डाल के ग्राइंड कर लिया एक पेस्ट बना के, और अब उसमें मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा भुन जाने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम टमाटोज, साथ ही क्रश किया हुआ कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ, और साथ ही सॉल्ट डाला है, टर्मरिक पाउडर, और सूखी लाल मिर्च हम पीस के डाल चुके हैं पेस्ट बना के। अगर आप थोड़ा तीखा और खाते हैं तो थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और डाल सकते हैं। एक कटोरी दही की ऐड की है मैंने, और दूसरी साइड यहाँ तवे पे बन रहा है पनीर टिक्का, क्योंकि मम्मा नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनके लिए पनीर टिक्का बना रही हूँ, और साथ ही आलू बीन्स की सब्ज़ी। अब चिकन डालेंगे, थोड़ी देर इसको पकने देंगे। चिकन जब ऑलमोस्ट पकने वाला हो तो उसमें हम ऐड करेंगे मिल्क, और साथ ही ऐड करेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च, और यहाँ पे थोड़ा सा अनियन मैंने पहले से फ्राई करके रखा है वो ऐड करेंगे, और एंड में हम डाल देंगे पुदीने की पत्तियाँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड सबके लिए जूस रेडी कर रहे हैं। लड़की से मिलिए, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है मुझसे कि आपने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया है, क्योंकि मेरी जो बिग बाज़ार वाली शॉपिंग वाली वीडियो थी उसमें ये हमारे साथ थी, तो मेरे को पूछा गया कि आपने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, तो मैं आज बता रही हूँ। ये मेरे सिस्टर इन लॉ की बेटी है जो चंडीगढ़ में ही नर्सिंग कर रही है, तो ये वीकेंड्स वगैरह पर ही हमारे पास आ जाती है, जिससे हमारे घर की रौनक जो है वो और भी बढ़ जाती है। से हाय तनु। तो ये थी मेरी सैटरडे की रूटीन। तो सैटरडे को ऑलमोस्ट यही रूटीन होती है, बस फूड की जो वैरायटी है वो चेंज होती रहती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड बनाने की मैं कोशिश करती हूँ सारी फैमिली के लिए, और बस इसी तरह हम लेट नाइट तक जागेंगे, आज बैठ के गेम्स वगैरह खेलेंगे, क्योंकि सैटरडे नाइट ही होती है जब सबको लेट नाइट तक जागने की परमिशन होती है, और क्योंकि नेक्स्ट डे संडे है तो संडे को जल्दी उठने की कोई जल्दी नहीं होती। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक Bye, take care and stay healthy.